नमस्कार दोस्तों, अरे मैं बंद कर दे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल पे। और दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ क्योंकि मतलब दोस्तों क्रिंज होता है कभी कभार, और जी होता है कि दूसरों के जीवन में नाक अड़ाना कितना पसंद होता है लोगों को, देख लो। और इसीलिए लोग ब्लॉग देखना जरूर पसंद करते हैं, और मैं भी चाहता हूं कि तुम भी मुझे पसंद करो, मेरे ब्लॉग्स को पसंद करो, क्योंकि मेरे जीवन को मैंने ऐसे उधड़ पिधड़ करके पूरे सोशल मीडिया पर पटक डाला। और दोस्तों मेरे पैसे नहीं बन रहे कुछ भी यूट्यूब से, तो कुछ ऐसा कर दो मेरे पैसे बन जाए, यानी कि तुम शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो ये देखो मैंने अभी अपने ये जो बीच में ऐसा टीका निकला है ना, इसको छुपाने के लिए ऐसे बाल नीचे कर लिए। आज है डे 6 या 7 होगा। क्या है भाई आज डे? ओ जाजे भाई, भाई भाई मेरे भाई का भी चैनल अभी ओपन हो गया है। हाँ तो भाई अपना यार, इसने आज गोप्रो खरीदा है व्लॉगिंग के लिए। और दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कुछ कुछ ऐसी चीजें। देखिए बात ऐसी है ना कि हमको क्या यार, अरे भाई ये तो आप लोग, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी शूटिंग चल रही है फिदा मूवी की, और मूवी बहुत अच्छा शूट हो रहा है। आज भी इसी ने 2 बजे का कॉल टाइम, ये क्या है भाई, हाँ यार हाँ, तो 2 बजे का कॉल टाइम है। और शूटिंग कैसे होती है, क्या क्या होता है शूटिंग में, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है ना कि मतलब शूटिंग होती कैसी है, क्या होता है। पर भोजपुरी की शूटिंग होती है तो यार बड़ा देसी तरीके से शूटिंग होता है, यानी कि मतलब सब चीज़ बड़ा फैमिलियर होकर के ऐसा होता है यहाँ पर। और अभी तो हम लोग अपने कमरे में जहाँ पर हम लोग हैं यहाँ पर, अभी हमने नाश्ता कर लिया, अब यहाँ से फटाफट निकलेंगे सेट के लिए, सेट के लिए गाड़ी आएगी। लंच नाश्ता किए, लंच के टाइम में हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, थोड़ा सा यार शिफ्टिंग का इशू हो गया था, बार बार होटल शिफ्टिंग कर रहे हैं। और फुल अभी एकदम प्रिपेयर हो चुके हैं, अभी जाना सीन्स रिहर्सल्स हो गया मेरे, तो ऐसा मतलब जानने का इच्छुकता भी था कि इच्छुकता क्या होता है भाई, बहुत लोग इच्छुक जानने के लिए इच्छुक थे, इच्छुक थे, इच्छुकता नहीं होता, ये कोई शब्द नहीं होता भाई। हाँ इच्छुक थे कि कैसे शूटिंग कर रहे हो भाई, तुम कैसे कर रहे हो, और बहुत सारे सवालों का जवाब भी दूंगा मैं अपने ब्लॉग में। और यार शॉर्ट के लिए बुला दें क्योंकि अभी मेरा मेन सीन नहीं, और अभी इंटरवल के बाद वाली चीजें शूट हो रही है। अभी बहुत लोग पूछते भी है कि जो स्क्रिप्ट होता है वो कैसे तैयारी करते हो, तो सीन बाई सीन शूट होता है, बहुत चीज होता है, मैं आपको दिखाऊंगा वहां पर जा करके। और बाकी आप सब प्यार बनाए रखिए यार मुझ पर, मुझे प्यार की बहुत ज्यादा जिद्दोजहद है। आपको एक अपने टीम की यूनिट की बहुत छोटी सी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है, उससे भी मिलवाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा, उसकी तो बातचीत सुन लोगे ना। तैयार होना है भाई, 2 बजे का कॉल टाइम है, जानता है हमको फेल देगा ये लोग सब मिलकर। तो तुम जाओ पहले शेविंग करो, शेविंग करना है, तेरे में एक्टर वाला कोई गुण नहीं है, मतलब एक्टिंग छोड़ के कोई मैनर्स नहीं है एक्टर वाला। एक्टर्स कैसे रहते हैं? अबे अपना टाइम से अपना काम पहले, जानता है भाई तो हम अपना काम पहले कर लेते। तो तुम एक्टर नहीं है, एक्टर वो होता है कि जो इनडिसिप्लिन्ड होता है, काम के लिए सिर्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। क्रिएटिविटी गंदगी से आती है, आपको पता है, टिकटॉकर है, मारब तुरी इतना मार मारब, इतना मार मारब, इतना झापर है, तो जैसे तैसे खाली उठ के रील बनाना है। क्या गाइस मैं गलत बोल रहा हूँ, कमेंट करके बताओ, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। अच्छा मूवी में हम क्यों काम कर रहे हैं, हम क्या है? क्या कि तुमको एक्टिंग आता है? तो एक्टिंग किसको आता है? तुमको आता है, मतलब नहीं हार मानेगा। अबे तो तुम ही को ना आता है, तो एक्टिंग एक्टर्स को आता है ना। हाँ। तो हम क्या हुए गांडू? तुम एक क्या बोले, अनडिसिप्लिन एक्टर है। इतना जोर से मुंह पे मारेंगे ना उछल करके, इतने झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा। कौन कौन चाहता है दोस्तों कि मैं बिग बॉस में आऊं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं बिग बॉस में आऊँ, ऐसे पट्टी वट्टी पहन करके दिन भर बॉडी बना करके, ऐसे रुको बॉडी में दिखाता हूँ, मस्त बॉडी वॉडी एकदम, ये आठ आठ समझा से नहीं क्या बोल रहा भाई तुम, ठीक ठाक बिग बॉस जाने से पहले हम बॉडी वॉडी बना लेंगे, अभी तो पंप नहीं है यार पूरा क्योंकि जिम तो जाने रहा। ये देखो क्या बोल रहा है, बॉडी मेरा एकदम एकदम हट जाओ जितना दूर हो सकता है, देखो जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो, नहीं लगाना पड़ता काल में भाई, हम जीवन में पहली बार खुद से शेविंग कर रहे हैं। जो होता है भाई देखते हैं,
आज बेटे तुम शेविंग करने नहीं आता है भाई, जीवन में पहली बार शेविंग सेट पकड़े। अगर वैसे नहीं होता है कर देना भाई। नहीं मैडम। अरे माँ धीरे कर दे। अरे साला धीरे कर बे। अबे कितना तेज कर रहा है। वैसे ही होता है, चोट नहीं लगेगा। अबे साला तुम्हारा चोट का चक्कर में ना। अबे तुम अपने से करेगा तो अपना गाल काट लेगा भाई, तो धीरे से करना, धीरे धीरे कर। ऐसे होता है। चंडी में यहाँ कर दे। मांग लिया वो। अबे नहीं लगता है, पागल हो गए क्या तुम? नाव है देखो उधर, कहता है बिला घर छोड़ दो ऐसे। मारे अबे साला, इसको कौन करेगा? बिना मंगाला 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 पानी मंगाल। सुनो इसमें उसको डालो ये। हाँ जा यार। हाँ तो कुछ तो अपने पापा से सीखो। पूरा हार्ड करते हैं पापा, पूरा हार्ड करते हैं। पूरा क्रीम लगा के पूरा ऐसी ऐसी एकदम। सबका बाप करता है, मेरा भी बाप करता है। बहुत तो सही बोल रहा है भाई। सोच रहा हूँ पुशअप्स लगा लूँ। ये यार टीका जैसा लग रहा है एकदम, तो थोड़े पुशअप्स लगा लेता हूँ क्योंकि अभी मैंने लगा लिए कुछ, पर मैं कुछ लगा लेता हूँ और आप गिन के बताना कि मैं कितने पुशअप्स किया हूँ कमेंट सेक्शन में। मैंने पुशअप्स लगा लिए और एक और राउंड लगाने जा रहा हूँ, गिनना कितने हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैंने कितने पुशअप्स किए हैं। शुरू करते हैं। ठीक है पोजिशन। मैं हो चुका हूँ गाइस रेडी और अब बाल वाल झाड़ लूँ मैं। गीले बाल झाड़ना बड़ा अच्छा लगता है, सेट हो जाते हैं फुल एकदम। तुझे मेरे पास। तो यार अभी मैं ये पहन लिया हूँ सिर्फ सेट पर जाने के लिए, और सेट पर जाऊँगा तो फिर वहाँ पर सारी चीज़ें मुझे मिलेंगी। जो भी कपड़ा कंटिन्यूटी में यही जीन्स था मेरा, बस सिर्फ टी शर्ट जो है वो चेंज होगा, वो शर्ट दूसरा वहाँ पर पहनना है मुझे, शूज़ भी वहाँ पर मिलेंगे। तो चलते हैं सेट पर, मैं आपको चीजें वहां पर दिखाता हूँ सारी, कैसे क्या होता है, बहुत मजा आएगा। बने रहिए हमारे व्लॉग में। चलो हम लोग रेडी हो गए। ये देखिए ओजा जी अपना गोप्रो लेकर के मस्त एकदम। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी किधर है अपनी? इधर। अर्टिगा तो हमारी इधर वाली है, ये वाली। हाँ चला जाए फटाक से फिर सेट पर और आज का दिन रॉक किया जाए। हम लोग सेट के लिए निकल चुके हैं और हमारे साथ है नीलम मैम और जो मदर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, राघव यानी कि चिंटू भैया की माँ बन रही है इसमें जी। और ये और कैसे हैं आप लोग? अभी हम लोग रेडी वेडी होके हल्का फुल्का रेडी होके अब जा रहे हैं सेट पे, जो पूरी तरह रेडी होंगे फिर आप लोग को दिखाएंगे वहाँ पर कैसे क्या चल रहा है। सब लोग रेडी हो चुके हैं और पीछे सनी का गोप्रो भी शुरू हो चुका है। अच्छा दो दो ब्लॉगर्स हैं यहाँ पर, क्या बात है। हेलो नमस्कार, मैं नीलम पांडे और अभी हम लोग शूट पे आए हुए हैं। अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल का सीन करने, तो अभी हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे रेडी वेडी होंगे, फिर आप लोग को दिखाएंगे कि कैसा सीन में आज मैं थप्पड़ खाने वाला हूँ मैम से आज हम फुल मेरे व्लॉग के साथ और हम लोग मिलते हैं शूट पे। पूरा शेव वेव कर लीजिए, आज थप्पड़ खाएंगे एकदम अच्छे से। नहीं हाथ में दर्द है, हल्का सा पड़ेगा। वसुंधरा देवी तुम 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 चाची का कहले तू? हम ना पियो नहीं होकर गए चाची, हम ना पियो नहीं होकर गए चाची। बेटा के शराब पिया के तेरे हिम्मत कैसे भईला सब तो ना चाची, हम ना पिए नहीं है। दूर बोलो ओ मजनुआ पगला उठ एकदम। चला हां जी हां हां, एक लोग हैं बाकी यूएसए में आ गया, आगे ने यहां ले लिया फिर आया। ए भैया देखिए ना उसको, अभी 50 लाख रुपए उसके पास आएगा। देखिए मेरी ये वही ड्राइवर। अच्छा बा जी, तो आ चुके हम लोग हॉस्पिटल के अंदर। अभी तो बाहर आपको दिखाते बहुत पूरा एकदम सेटअप लगा हुआ है। ये रहा पूरा, ये चीज देख लो यहाँ पर, और और यहाँ दादा मेरा मेकअप अभी करेंगे। हेलो कर दीजिए दादा। हेलो, फटाक से मेकअप कर दीजिए नहीं तो ये लोग फटाक से हम लोग को पेल देगा सब। तब क्या भैया पूरा एकदम कूल एकदम
कुछ सिरप लगाया था नहीं ना, कुछ हो ना लगाया भैया, ये हॉस्पिटल के अंदर हम लोग आ चुके हैं और हनी का मेकअप स्टार्ट हो चुका है। अच्छी बात बोलिए दोस्तों आपने, तो मैं भी बता देता हूँ अपने ब्लॉग में, मेरे ब्लॉग के भी माध्यम से लोग, आप जो लोग जान लीजिए कि जो मेरा कंटिन्यूटी वाला ड्रेस था वो हमारे डिजाइनर जो थे यानी कि जो हमारे कॉस्ट्यूम वाले, वो एक दिन पहले वाले सेट पर वो दोनों कैमरे चल रहे हैं यहाँ पर, तो एक दिन पहले वाले सेट पर ही वो कपड़ा छोड़ दिया और वो चौबेपुर में, और वो अभी गया यहाँ से चौबेपुर कपड़ा लेने के लिए। भैया का चाह रहे और मैं सीन के रिहर्सल्स कर करके और ज्यादा पैनिक होते जा रहा हूँ कपड़े की वजह से, इतनी देर से सीन लेट हो रहा है, बाकियों का सीन हो जा रहा है, मैं अपना सीन करके फिर फटाक से भाग जाता यार। टका कर अब पूरी कहानी जान कर, क्या करता है भाई, ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगर हो गया तुम, ये पूरा सीन इधर का डिसाइड हो रहा है जैसे। ये हमारे डीओपी सर और हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर सर दोनों की दोस्ती देख सकते हैं आप।